आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि आपका भोजन ही आपकी दवा है। मेरे पास भी लोग आते हैं और मुझसे एक बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा भोजन तो बहुत अच्छा है, मैं घर का बना हुआ ही दाल चावल सब्जी रोटी खाता हूं और बहुत कम खाता हूं, तो मेरा भोजन कहां खराब है। आज थोड़ा सा ये टॉपिक मैं किस तरह से समझा पाऊंगा मुझे भी सोचना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं कि कैसे आपका भोजन आपकी दवा बन सकती है। जैसा मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जितने भी हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, या जिनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, जैसे हमारी ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या क्रॉनिक लंग डिजीज हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीजेज हैं, हमारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, या कैंसर है, इस तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं, या कुछ सभी तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनका सीधा संबंध हमारा कुछ फूड एलर्जन से, हमारी फॉल्टी फूड हैबिट से, फॉल्टी लाइफस्टाइल से, परसिस्टेंट स्ट्रेस या डीप सीटेड बैड चाइल्डहुड इमोशंस से, या फिर पॉल्यूशन से होते हैं। हमारी सारी चीजें ठीक होने के बाद भी हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ठीक से सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक है, हम लगभग पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रह रहे हैं, इसके बाद भी अगर हमारा भोजन खराब है तो हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों के होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इन पांच कंपोनेंट्स में हमारा भोजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारे दूसरे फैक्टर्स आते हैं। दो रिकमेंडेशंस होती हैं, एक होती है आरडीए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलायंस, दूसरी होती है ओएनए, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल अलायंस। आरडीए जितनी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की पर डे, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो हमें एक जो अगर हम हेल्दी हैं तो उस हेल्थ के प्रिजर्वेशन के लिए हमें जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको हम ओएनए के अंतर्गत रख सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत ही साधारण सा आपको एग्जांपल दूं कि दो घड़े रखे हुए हैं और दोनों ही घड़े सन को एक्सपोज्ड हैं। जो पहला घड़ा है उसमें हम रोज एक गिलास पानी डालते हैं तो कितने दिन में भरेगा? आपका जवाब आएगा शायद कभी नहीं, क्योंकि अगर हम उसमें एक गिलास पानी रोज डालेंगे, क्योंकि वो सन को एक्सपोज्ड है तो जितना पानी हम डालेंगे उतना ही पानी वो हमारा पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। अब जो दूसरा घड़ा है उसे हमें भरना है और उसको भरा भी रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें एक साथ हमें बहुत सारा पानी या एक बकेट पानी हमें उसमें डालना पड़ेगा, और जितना वो रोज इवेपोरेट होगा उसको पूरा करने के लिए हमें उसमें रोज एक गिलास पानी डालना पड़ेगा। तो जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे पहले घड़े के ही समान है, जितना न्यूट्रिशन हम लेते हैं उतना पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, और हम चाहते हैं कि जीवन में कभी भी बीमार ना पड़े, तो हमें दूसरे घड़े को भरने के कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी शरीर को ऑप्टिमली नरिश करना पड़ेगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि जीवन भर बीमार ना पड़े, तो फिर हमें
आरडीए रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मींस पहले हम अपने शरीर या घड़े में पूरा एक बाल्टी पानी डालें, फिर हम उसको रोज एक ग्लास से भरते रहें। उसी तरीके से हमारा शरीर है कि पहले हम अपने शरीर को ONA रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑप्टिमली नरिश करें, इसके बाद फिर हम आरडीए रिकमेंडेशन पे स्विच ओवर करें, हम अपने आप को रोज प्रॉपरली नरिश करें। तो ये आवश्यकता है अगर आप हेल्दी हैं तो जीवन भर स्वस्थ रहने का एक ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसा मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताता रहता था कि जितने भी कारण हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंजेस लाते हैं। जो पहला चेंज होता है कि हमारे कुछ फूड एलर्जेंस हैं वो हमारी गट से लीक होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। दूसरा जो चेंज होता है वो चेंज होता है कि हमारी जितनी भी मोर देन 14 ट्रिलियन सेल्स हैं वहां पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लिवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनमें कंजेशन हो जाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम स्लगिश हो जाता है और हमारे शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बेलेंस होता है। साथ में हमारा जो शरीर है वो न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज होता है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं या इम्बेलेंसेस होते हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन हमारे जो सेल्स हैं उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, हमारी सेल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और जैसे ही इन्फ्लेमेशन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है वैसे ही हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने लगता है। हमारे जीन पूल से कुछ जो इनएक्टिव जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सभी बीमारियों के होने के लिए इन्फ्लेमेशन का थ्रेशोल्ड अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग थ्रेशोल्ड हो सकता है, एक ही व्यक्ति में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग इन्फ्लेमेशन का थ्रेशोल्ड हो सकता है। तो अगर हम बीमार हैं, हमारे अंदर किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये जो हमारी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की डोज है ये चेंज हो जाती है। सामान्य रूप से हमें स्वस्थ रहने के लिए 11 टू 13 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, साथ में कुछ सीड्स की भी जरूरत होती है। जैसा कि अगर हम जो हमारे सबसे करीबी जो हमारे हैं वो बंदर हैं, हम उनको देखते हैं कि फ्रूटेरियंस हैं, जब फ्रूट्स उनको उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो फ्लावर्स खाते हैं और उनसे सीड्स को, फ्रूट्स के सीड्स को खाते हैं। जब इंसान ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं किया था, जब इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं की थी, जब इंसान नोमैड्स की तरह थे आज से हजारों साल पहले, तो उनकी भी जो हैबिट्स थी वो बंदर की तरह ही थी, वो फ्रूटेरियंस थे और सीड्स पे जिंदा रहते थे और उनको किसी भी प्रकार की किसी प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज या डिसऑर्डर नहीं होता था। बीमारियां कब शुरू हुई? जब इंसान ने फूड को हीटअप करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम फूड को हीटअप करते हैं वैसे ही हमारे फूड से फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइव एंजाइम्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं आफ्टर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद। हमारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स एंड फैटी एसिड्स हैं वो हमें डीनेचर्ड फॉर्म में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस अपने विषय पे आते हैं कि अगर हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो हमारा जो ऑप्टिमम नरिशमेंट का जो डोज है वो काफी बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना है। इन्फ्लेमेशन जितना ही ज्यादा होगा हमारा जो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स की ऑप्टिमम डोज है वो उतनी ही ज्यादा होगी। कई बार हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट के फॉर्म में फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स,
थोड़ी अधिक मात्रा में रिकमेंड करते हैं, उनको वेजिटेबल मिक्स रॉ वेजिटेबल जूसेस पिलाते हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनमें सेलुलर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, डायबिटीज है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल है या फिर मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वहां पे जो ऑप्टिमम नरिशमेंट है उसको बढ़ा के देना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट्स में एक गिलास से लेके 8 गिलास तक मिक्स रॉ वेजिटेबल जूसेस रिकमेंड करना पड़ता है, और पेशेंट को सभी प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलें, पेशेंट को सभी प्रकार के लाइव एंजाइम्स मिलें, पेशेंट को सभी मिनरल्स, सभी विटामिन, सभी फैट्स और फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स डीनेचर्ड ना मिलें। तो इसके लिए जो ऑप्टिमम जो हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या वेजिटेबल जूसेस का जो डोज है उसको हम बढ़ा के देते हैं। पेशेंट को मैंने जैसे बताया सभी प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिले, सभी प्रकार के लाइव एंजाइम्स मिले। जो हमारे शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की पर सर्विंग रिक्वायरमेंट होती है वो 40,000 से भी अधिक होती है, तो जब हम रॉ फॉर्म में इसको कंज्यूम करते हैं तो जितनी हमारी फाइटोन्यूट्रिएंट्स या अनडीनेचर्ड विटामिंस और जो मैंने अभी न्यूट्रिएंट्स बताए उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है, तो वही भोजन आपके लिए मेडिसिन का काम करने लगता है। वही भोजन आपके जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो अब दो चीजें, अगर आपको हेल्दी रहना है, आप स्वस्थ हैं और जीवन भर अपने स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना करके रखना चाहते हैं, तो मैंने जैसा पहले रिकमेंडेशन बताया आरडीए एंड ओएनओ को फॉलो करना है, और अगर हमें किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक इशू है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या एक से अधिक डिसऑर्डर्स हैं, तो हमारी जो ओएनए डोज है वो उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। कितनी ओएनए डोज देनी है, कितना आपको नरिशमेंट देना है, कितने ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस देना है, कितने फ्रूट्स देने हैं, कितने वेजिटेबल्स देने हैं, कितने सीड्स देने हैं, कितने नट्स देने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन है वो कितना है। जितना अधिक सेलुलर इन्फ्लेमेशन होगा उसी के प्रपोर्शन में आपकी ओएनए डोजेस बढ़ती जाएंगी। लेकिन फॉर श्योर कि जैसे ही हम पेशेंट को डिटॉक्सिफाई करके, वाइटल ऑर्गन्स को क्लींस करके, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके, जैसे ही हम उसको ऑप्टिमली नरिश करते हैं, तो जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड के नीचे हमारा इन्फ्लेमेशन आता है, तो सभी को पता है, मुझे भी पता है, मैं हजारों और लाखों बार मरीजों को ये बता चुका हूं कि जो बॉडी हील्स इटसेल्फ, लेकिन कब, जब हम अपने शरीर को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं कि आपके जो नॉन फूड एलर्जेंस हैं उनको हटा देना है, आपके जो सेल्स में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है उसके लिए आपको डिटॉक्सिफाई करना है, आपके वाइटल ऑर्गन्स में जो कंजेशन है उसके लिए उनको डीकंजेस्ट करना है, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, सिस्टम को एल्कलाइज करना है, और बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने शरीर को ऑप्टिमली नरिश करना है। अगर फर्स्ट 4 प्रिपरेटरी स्टेजेस के साथ हम अपने बॉडी को ऑप्टिमली नरिश करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करने लगती है और आपका भोजन ही आपके लिए मेडिसिन बन जाती है। अगर हम फर्स्ट 3 स्टेजेस को भूल भी जाएं, अगर हम अपने शरीर को जैसा मैंने बताया इस तरह से ऑप्टिमली नरिश करें तो भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। स्लो हो सकते हैं, थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाते हैं।
इस कॉमन अप्रोच से आप किसी भी तरीके की मेटाबॉलिक, चाहे आप ओबीज हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको टाइप 2 डायबिटीज हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, चाहे आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हो, आपको क्रोनिक लंग डिजीज हो, क्रोनिक लिवर डिजीज हो, या क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, ये सारे के सारे एक साथ रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपका स्किन हेल्थ आपके इनर हेल्थ का रिफ्लेक्शन होता है। जब आपका इनर हेल्थ इंप्रूव होता है तो आपका स्किन हेल्थ इंप्रूव होता है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपको डिलेड रिंकल्स होते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस डिलेड हो जाती है, और आप हर क्षण किसी भी डिसऑर्डर से फ्री होकर ऑप्टिमम एनर्जी के साथ ऑप्टिमम हेल्थ एंजॉय करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू कैन रिवर्स योर एजिंग। सो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने विषय को आपको ठीक से समझा पाया हूं। मुझे सुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक्शन लेंगे तो आपको वो सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।